हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है, वो भी आंटी के घर से। सुबह सुबह देखो धूप निकल गई है बाहर, दिख ही नहीं रहा इसमें से। बाहर धूप निकल गई है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। रात को हम इधर ही सो गए थे क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट तो अभी तक भी नहीं है, बट अब बस डैविक का वेट कर रही हूँ। डैविक सोया हुआ है, वो उठेगा तो फिर हम भी निकलते हैं, चलते हैं घर। और नींद तो अच्छी आ गई, लेकिन अब देखते हैं। चलो फिर मैं सोचा ब्लॉग शुरुआत कर लेती हूँ, देखते हैं डैविक कब तक उठेगा, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। सुबह सुबह इनका गार्डन कितना अच्छा लगता है। वो हमारा घर आ गया, येलो कलर वाला। और ये देखो जी, डैविक उठ गया, अब हम चलते हैं, लेट्स गो। चलो जी, मैं पहुँच गई घर और बुगू जा रहे हैं ऑफिस। बुगू हाय कर दो। बुगू हाय, हाय बाय, हाय बाय, बाय शिंगिनी, बाय बाय शिंगिनी, ओके बाय। उसको देखो क्या बाय कर रहा है। बाय अम्मा, बाय 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 बाय। अभी तक बाय कर रहा है, चले गए पापा मम्मा, चले गए। अब किसको बाय कर रहे हो आप? इधर आ। चलो जी, बुगू चले गए ऑफिस, अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। चलिए जी, अभी हो गए मुझे 2 घंटे यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि डैविक सोया है तो अंदर लाइट नहीं है, गर्मी में कैसे सोएगा। इधर ही बैठी हुई हूँ मैं, और अभी थोड़ी चल रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लाइट का कुछ पता नहीं है। अब देखते हैं क्या करेंगे, कल रात से लाइट नहीं है, पागल है लोग। कल इन्होंने ट्रांसफार्म लगाया, वो भी लगाया पुराना, तो उसी वक्त फिर से शॉर्ट हो गया। अब पता नहीं कब तक लगाएंगे। और अभी थोड़ी शुक्र है हवा चल रही है थोड़ी, कल तो वो भी नहीं चल रही थी ठंडी ठंडी हवा। अभी थोड़े हिल रहे हैं पेड़ पौधे, देख सकते हैं। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी इधर ही बैठ के किया है, देखो मेरी थाली अभी इधर ही है रखी हुई। गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है जम्मू में, बहुत ज़्यादा। इसमें किसी काम का नहीं जब लाइट ना हो, किसी भी काम का नहीं। चलो देखते हैं आप डैविक कब तक उठेगा, तब तक तो फिलहाल मैं इधर ही बैठी हुई हूँ। मैं तब तक ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने ब्लॉग ही नहीं अपलोड किया, क्योंकि एक पहले दिन तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, लाइट नहीं थी, एडिट करने के लिए रह गया था। अब लाइट है, फ़ोन भी ऑन है, नहीं अब फ़ोन तो ऑन है लेकिन लाइट नहीं है, वाईफाई बंद है, तो व्लॉग कैसे अपलोड होगा। चलो मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। थोड़ी थोड़ी अभी हवा चल रही है, शुक्र है, कल तो ये भी नहीं चल रही थी। तब से हम इधर ही हैं बैठे हुए, लेकिन अब हमने थोड़ा इंतज़ाम कर लिया बैठने का। ये जो फ्रंट बरांडे में बैठ गया को हमने पिछले बरांडे में ला लिया, अब हम इधर बेड पे बिस्तर लगाएंगे, इधर बैठेंगे, क्योंकि कुर्सी के ऊपर बैठना मुश्किल हो गया था। है ना मामा, ये भी उठ गया, ये उठ गई छुंदरी, उठ गई उठ गई उठ गई है। हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो करो, तो हेलो मेरे हाथ को पकड़ के कर रहा है। हेलो, खुद करो खुद करो, हेलो करो कर कर कर। हेलो हेलो बुगू,
विस्की बुगू को वेलकम कर रही है। हमसे पहले बुगू को वेलकम विस्की करती है। बुगू लाइट फिर से चली गई। लाइट फिर से नहीं, पूरा ट्रांसफार्मर फिर से जल गया। अब सच में लाइट चलेगी बुगू? लाइट चलेगी। ये क्या कर रहे हो यार, ट्रांसफार्मर जल गया? जल गया वो वापस से। अब क्या करेंगे आज रात को? आज रात को पता नहीं, देखते हैं। अंजू मासी को बोलूंगा, अगर है कमरे में जगह तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो ये विस्की को क्या करेंगे? होटल में रहने जाते हैं। होटल में रहने जाते हैं। मम्मी पापा को सुबह निकलना है। हाँ, उधरी जीवल में होटल ले लेते ना, 1000 रुपए, 1200, 1500 रुपए, 2000 में उधरी बैठते हैं। और कुछ विस्की को कहाँ रखोगे? कमरे के अंदर। विस्की को कहाँ रखोगे? एसी में, कमरे के अंदर। वो अलाउ भी करनी चाहिए होटल वाले? होटल वाले क्या इंसान नहीं है? यार सुबह थोड़ी देर पहले लाइट आई थी, मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि लाइट आई है। बट जब तक आपको इन्फॉर्म करने की बारी आई, तब तक लाइट फिर से चली गई। और अभी बुगू आके बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया है। तो अब देखते हैं अब क्या करेंगे, आज शाम को क्या करेंगे हम, कुछ समझ नहीं आ रही है। और मम्मी पापा को कल सुबह निकलना है, वो जा रहे हैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन, जा रहे हैं जम्मू से बाहर, दिल्ली 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 दिल्ली, दो तीन दिन के लिए जा रहे हैं। और कल से तो मैं बुगू, यार बुगू, अगर लाइट नहीं आई मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी इसको? ये तो बिल्कुल नहीं मानता है यार। हमने बेड पीछे लगा दिया, पता है पीछे? पिछले बरांडे में, लेकिन हवा थी ना सुबह सुबह, तो इसको मैंने गोद में रखा हुआ था, सोया था उधर। विस्की विस्की क्या करें, विस्की लाइट नहीं है, क्या करूं क्या करूं, मुझे भी बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी है, देखो ना क्या हाल है मेरा, मुझे भी गर्मी लगती है, मैं क्या करूं विस्की? हम क्या करें यार, हम क्या करें? आप तो चलो ठीक है, आप तो पक्षियां भी कर लोगे, मुझे कौन पक्षियां करेगा? ओ यार हद हो गई है लाइट की गर्मी। देखो यार गर्मी, पन के बाद फिर भी ठीक हो जाता है यार मौसम, इस बार तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुश्किल है। चलो अब हम लंच करते हैं। उसको देखना कहाँ चढ़ा, वो देखो उधर, ये देखो कहाँ पहुँचा हुआ है, वो देखो। हमारे घर में अभी तक कोई लाइट नहीं है मम्मी, यार रात को क्या करेंगे हम? कल मम्मी को जाना है, मतलब सिटी से बाहर जाना है कहीं, दो तीन दिन के लिए बोला मैंने आपको, उसी के लिए हम बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान ले रहे हैं। मम्मी हाय कर दो ब्लॉग में, मम्मी कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? कितनी गर्मी लग रही है। गर्मी है यार, लाइट ही नहीं है। मार्केट से होके आ गए थे हम, मैं और मम्मी। मैंने अपना अभी, मैं शायद 2 घंटे के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, मैंने अपना फ़ोन भी बाहर रखा था चार्जिंग पे, क्योंकि लाइट है नहीं यहाँ पे, तो सोचा ब्लॉग शूट करने के लिए फ़ोन तो चार्ज होना चाहिए। तो मैंने एक व्लॉग भी अपलोड कर दिया, वो जब तक आप ये व्लॉग देखोगे तब तक वो आ भी जाएगा। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैंने अपना फ़ोन भी बाहर चार्जिंग पे लगाया हुआ था, और दैविक को हमने यहाँ पे सुलाया हुआ है, बाहर सोया हुआ है, और हम भी बाहर सोए हुए हैं, मतलब मैं लेटी हुई हूँ, बस इसके पक्षी से इसी का सहारा है। अब देखते हैं क्या करेंगे। बुगू और पापा गए हुए हैं मार्केट, थोड़ा काम था उनको। और ये देखो शीदी छुई हुई है, मैं इसको हवा कर रही हूँ। वो देखो वहाँ पे लग रहा है ट्रांसफार्म, और आज चंदा मामा भी दिख रहे हैं, आ जाएगी शाम। नीचे बहुत गर्मी थी, इसको मैं ऊपर लेके आई हूँ, तो सुनने में आया कि शाम तक लाइट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई आए थे मीडिया वगैरह, और पुलिस वगैरह भी आई थी, इसको फ़ोन चाहिए, पुलिस वगैरह भी आई थी, बोलने लगे कि इधर लाइट क्यों नहीं है, परसों से लाइट क्यों नहीं है? तो फिर उन्होंने बोला कि हम खुद लगाएंगे लाइट, अभी लगा रहे हैं जनरेटर, मेरी 8 बजे तक आ जाएगी, जितने बजे तक भी आए लेकिन आनी चाहिए। ये कहाँ करेगा रात को कहाँ करेगा ये? चलो फिर मैं करती हूँ बाद में बात। ये बिल्कुल फ़ोन ऑन करने नहीं देता, ये देखो बोल रहा फ़ोन दे, बस बता जी। अभी बज रहे रात के 11, और तब से मतलब परसों से समझो आप, अभी लाइट आई है, हालत ख़राब हो गई। लेकिन लाइट के बगैर तो ना एसी किसी काम का है, ना ही कोई और किसी चीज़ किसी काम की है, ना कूलर किसी काम का है। तो
शुक्र करो लाइट आ गई, नहीं तो इस लड़के ने पूरी रात सोने नहीं देना था। और मम्मी पापा कर रहे हैं बाहर पैकिंग क्योंकि उनको सुबह निकलना है। तो चलो फिर चलते हैं। इसको मैंने, ये लड़का इतना रोता है, जो नहीं खाना है वो खाएगा, ये देखना, जो इसको नहीं खाना है वो खाएगा ये अच्छे से, लेकिन जो खाना है वो नहीं खाता है लड़का, वो सिर्फ रोता है, बस रोता है और कोई काम। चलो मैं मम्मी पापा से भी मिलाती हूँ आपको, मम्मी पापा दिखाती हूँ कि क्या चल रहा बाहर। अभी का ये काम है, ये मम्मी का सूट है जो मतलब मम्मी ने सिलाया था। ये देख रहे हैं दर्जी ने क्या किया, यहाँ तक सूट बनाना था उसने, इधर से नीचे भी इसको लेस रख दी। तो अब मैं सफाई करके इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, ये ज़्यादा रख दिया कपड़ा उसको। देखो जी ये मैंने कर दिया कंप्लीट, अब लग रहा है ना अच्छा है ना मम्मी, अब अच्छा लग रहा है ना। चलो फिर अब हम कर लेते हैं डिनर क्योंकि 11:30 हो गए और अभी तक हमने डिनर नहीं किया है। और मम्मी अभी तक मतलब सामान ही देख रहे हैं कौन सा सामान रखना है हमने इनको अभी पैकिंग भी करने के लिए, वो देखना कपड़े कैसे हुए कुर्सी पे, अभी पैकिंग तक नहीं की है, सामान नहीं देखा है। रात के 12:30 बज गए और हम देखो क्या कर रहे हैं, पापा प्रेस कर रहे हैं, मम्मी सामान देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, भगू अभी तक मेरे साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं और मैं इधर सेटिंग करके दे रही हूँ मम्मी पापा को, पैकिंग करके सॉरी। और ये जो प्रेस की कहानी मैंने आपको परसों सुनाई थी ये बुगो और पापा ने ठीक कर दी, अब चल रही है ना, नहीं लाने की कोई ज़रूरत नहीं है बुगो। तार भी अच्छी हाँ, तार भी पापा और बुगो ने तार इसकी इतनी खतरनाक लगाई है, ये पहले उतनी गर्म ही होती थी जितनी अब होती गर्म। चलिए ये हो गया बैग पैक, ये देख रात के 1 बज चुके हैं और मम्मी पापा अभी तक पैकिंग में लगे हुए, ये मैंने कर दी पैक, अभी ये दूसरा सामान रख रहे हैं। ओके मम्मी पापा गुड नाइट, और एक सोया है।